So guys, this is Camille and you're watching the production YouTube channel. So guys, आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाई कैसे फोटो में स्काई बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो या बोल सकते हो रिप्लेस कर सकते हो. तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखना हो और सीधा चलते हम अपनी वीडियो की तरफ. ओके गाइज, तो आप देख सकते हो मैं आज को अपने फ़ोन के स्क्रीन पर. तो सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा स्काई बैकग्राउंड चेंज करने के लिए. सो इस ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. तो सबसे पहले आपको इस ऐप को ओपन करना है. सो जैसे आप इसे ओपन करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ से आप ओपन फोटोज के ऊपर क्लिक करेंगे. उसके बाद आप यहाँ से अपना जो पिक्चर उसको सिलेक्ट करेंगे. सबसे पहले फोल्डर चूज करेंगे एंड देन फोल्डर से आप अपना जो पिक्चर उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पिक्चर आ जाएगा इस ऐप के अंदर. सो आप देख सकते हो अभी मैं इस फोटो का जो स्काई आपको दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड में, इसी स्काई को रिप्लेस करके दिखाऊंगा या बोल सकते हो इसका बैकग्राउंड चेंज करके दिखाऊंगा. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्शन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्काई नाम का. सो आप देख सकते हो तो आपको सिंपली स्काई के ऊपर क्लिक करना है. स्काई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एड ओवरले. सो आप देख सकते हो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ये स्काई मिलता है स्काई 59, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे. उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे काफ़ी सारा स्काई देखने के लिए मिलेगा स्काई बैकग्राउंड. तो जिस टाइप का आपको स्काई चाहिए आप यहाँ से स्काई को सिलेक्ट कर लेना. सो आपको यहाँ पर स्काई का कैटेगरी भी मिल जाएगा और यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको पसंद आता है उसको आप सिलेक्ट कर ले. तो उसके बाद आप इसे एडजस्ट कर लेना इस तरीके से. सो आप इसे जिस तरीके से आपको सही लगे आप एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से. सो मैंने इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लिया और मुझे ये जो स्काई मैंने ऐड किया ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. सो मैंने इसको सेट कर लिया. उसके बाद आपको आ जाना एडजस्ट पर और यहाँ से भाई आप स्काई को एडजस्ट करेंगे. सो ये पार्ट इस पार्ट को. सो सबसे पहले आप इसके एक्सपोजर को और थोड़ा सा डिक्रीज कर लेंगे सो अपने हिसाब से. उसके बाद यहाँ से शेडो मिलता है तो वो शेडो को आप थोड़ा कम कर लेना एंड उसके बाद आपको आ जाना कलर पर और यहाँ सब सैचुरेशन को सो अपने हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर लेना. सो मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ और यहाँ से इसका जो वाइब्रेंस उसको देख लेते. सो वाइब्रेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ एंड टोनिंग मिलता है, आप यहाँ से टोनिंग इफेक्ट भी डाल सकते हो. सो यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट डाल सकते हो अपने स्काई में. सो जिस तरीके से आपको सही लगे. उसके बाद आपको आ जाना इफेक्ट्स पर और यहाँ से इसका जो ब्लर अमाउंट है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे. सो लाइक आप 6% 8% तक इंक्रीज कर सकते हो और डिटेल्स पर आके आप इसका क्लैरिटी को थोड़ा इंक्रीज करेंगे एंड शार्पन को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे. उसके बाद इसको सिंपली कर देंगे डन. सो डन करने के बाद अभी मैं आपको दिखाया था बिफोर हमारी फ़ोटो का स्काई बैकग्राउंड कुछ ऐसा था और अभी कुछ ऐसा बन चुका है. उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सो स्टाइल, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी प्रीसेट अप्लाई कर लेंगे अपनी फ़ोटो पर. लाइक मैं ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है सीनारी या प्रीसेट आप कैसे, तो मैंने इसको अप्लाई किया. इसका ओपेसिटी आप कम ही अदा कर सकते हो. सो मैंने पूरा फुल कर लिया. उसके बाद इसको सिंपली कर देना है डन. तो अभी आप देख सकते हो बिफोर कुछ ऐसा था हमारा पिक्चर और अभी कुछ ऐसा बन चुका है. उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा रिटच नाम का एक ऑप्शन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना मॉडल का स्किन वगैरह थोड़ा बहुत रिटच कर लेंगे, व्हाइट कर लेंगे. सो तो मॉडल का स्किन को आप इस तरीके से स्मूथ एंड एडिटिंग कर सकते हो. ऑटो के ऊपर उसके बाद क्लिक करेंगे एंड इसको ओके में प्रेस कर लेंगे. उसके बाद फाइनली आप देख सकते हो हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है बिफोर एंड आफ्टर. सो आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर. तो अभी आपने अपनी फ़ोटो का स्काई चेंज कर लिया और अपने फ़ोटो को भी एडिटिंग कर लिया काफ़ी सही तरीके से, आप देख सकते हो काफ़ी परफेक्ट तरीके से. अभी आपको अपना जो वीडियो उसको सेव करना है तो इसके लिए आपको ये जो आइकन मिलता है डाउनलोडिंग का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे. सेव न्यू फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो आपकी गैलरी पर सेव हो जाएगा. दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो.